भारत माता की। आज का जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में क्लस्टर बनाकर तीन तीन कंस्टिट्यूएंसी, दो दो कंस्टिट्यूएंसी इस ढंग से कार्यकर्ताओं को मिलने का एक कार्यक्रम बनाया है, आस्टर के कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम। आज ये जो श्रीनगर है, आपने देखा जैसे हमने पर्चे लिया, 10 के 10 जो जिले हैं वहां से जो कश्मीर के 3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये क्लस्टर एक बना है, उसके कार्यकर्ताओं का ये एक बैठक थी, एक मीटिंग थी। ये डेफिनेटली चुनाव को लेकर ही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च तक अपने ये कार्यक्रम, देखा होगा आपने, मेरा परिवार भाजपा परिवार, मैं जहां आया था तो यहां पर अपने कार्यकर्ता के घर पे झंडा लहराया था। फिर कमल ज्योति का कार्यक्रम, पॉल जी जहां आए थे इन्होंने किया था। फिर जैसे मोदी जी ने मन की बात लोगों से की है, इसी तरह एक कार्यक्रम था कि भारत के मन की बात मोदी जी के साथ, वो कार्यक्रम के लिए भी मैं यहां पर 13 फरवरी को आया था। ये कार्यक्रम लगातार हमारे सभी चुनाव की तैयारी को देखते हुए चल रही है। हमारे कार्यक्रम संपर्क लावा, वो एक बहुत दुखदायी घटना है, वो एक टेररिस्ट अटैक जो था, जिसको बाहर से प्लान सीआरपी की बस को उन्होंने उड़ा दिया, इसलिए मानता हूं। और ये एक बहुत निंदनीय घटना है और उसका जो आपने रिएक्शन देखा वो भी बहुत, सरकार ने उसका जवाब वक्त भी दिया। जमीयतुल अहलेदीस पर बैन, उनको पकड़ना, एक जो कानून से चलेगा उसको कोई डरने की जरूरत नहीं, जो संविधान और कानून को हाथ में लेगा उससे हमें डरने की जरूरत नहीं। बात मत कीजिए, जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना या कोई बात करना ठीक नहीं। एनसी और एनएन बारे में सीएम ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा था, लेकिन जो मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं। सर एनसी और कांग्रेस के साथ आपकी दोस्ती बरकरार है अभी? सज्जाद साहब के साथ आपकी दोस्ती बरकरार है अभी? गठबंधन, महागठबंधन बहुत बन रहे हैं, हम मजबूत हैं, इसीलिए हमारा मुकाबला करने के लिए बहुत सी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, वो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस को छोड़कर गई थी। आज वो कांग्रेस से मिलकर के मोदी जी को कैसे रोका जाए वो कोशिश कर रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने काम किए हैं, जनता के बीच में गए हैं, हमें पूरा विश्वास है, बूथ तक हमने अपनी पार्टी को खड़ा किया है, इसलिए हमने नारा दिया है बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल, जिला, प्रदेश, केंद्र, सारिया इकाइयां हमारी पूरी एक्टिव हैं, हम अपने बल बूते पर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं इसको डिनाई करता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को शायद हार की चिंता है इसलिए वो अनापशा मैसेज डाल दे रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का उनको क्या हक है, असेंबली इलेक्शन लड़ने का? वो अगर ये समझते हैं कि 6 पार्लियामेंट मेंबर और 87 असेंबली मेंबर्स जम्मू कश्मीर में रेवोल्यूशन और रिफॉर्म लाएंगे और 25,000 पंच और सरपंच और लोकल बॉडीज मेंबर नहीं लाएंगे, इसका मतलब है कि वहां वो यहां के आवाम को तरक्की से कहते हैं दूर रखना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से पूछे कि किस वजह से उन्होंने बाइकआउट किया, जो अगर वजह 35A सब है, उसका फैसला तब भी नहीं हुआ था, उसका फैसला अभी भी नहीं हुआ। अगर तब फैसला नहीं हुआ था तो उन्होंने बाइकआउट किया और अब भी फैसला नहीं हुआ, उनको कहो कि अब भी पंचायत पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन की बाइकआउट कर दिया।